हेलो फ्रेंड्स, कीथ हियर। वेलकम बैक टू ELA फंडा। दोस्तों, समर्स आ चुकी हैं और आपके बच्चों की समर वेकेशन भी स्टार्ट हो चुकी होगी और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस तड़कती भड़कती गर्मी में कहाँ जाए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हर इंसान की चाहत होती है कि वो नेचर के पास जाए, उसे थोड़ा सुकून मिले। और सुकून कहाँ मिलता है? पानी में। जी हाँ, ठंडक की तलाश में अक्सर हमारी जहन में आते हैं वाटर पार्क। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े और सबसे अनोखे वाटर पार्क्स और अम्यूजमेंट पार्क्स के बारे में, जहां आप अपनी फैमिली के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद। जी हां, ये सिर्फ एक फिल्म सिटी ही नहीं बल्कि घूमने के उद्देश्य से बड़ा ही मनोरंजक स्थान है। यहाँ आपको वाटर पार्क, स्नो पार्क, थीम पार्क और ढेर सारे एडवेंचर्स राइड्स का मज़ा मिलेगा। ये फिल्म सिटी 2500 एकड़ में फैली हुई है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है। यहाँ की एंट्री फीस 900 रुपये बड़ों की और 800 रुपये बच्चों की है, जिसमें आप पूरे दिन लुत्फ उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ब्लैक थंडर थीम पार्क। ये पार्क तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर के पास है। यहाँ आपको ड्रैगन कोस्टर, वाइल्ड रिवर, डक ट्रेनिंग, सर्फ हिल जैसे और भी बहुत सारे एडवेंचर्स करने को मिलेंगे। ये पार्क प्रकृति के काफ़ी करीब है। नीलगिरी पहाड़ियों के पीछे बसा ये पार्क काफ़ी साफ सुथरा और सुंदर है। यहाँ जाने के लिए आपको बच्चों के 650 रुपये और बड़ों के लिए 750 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी एंट्री फीस 550 रुपये ही लगेगी। अगली बारी आती है वंडरेला कोची की, जो कोची शहर से थोड़ी दूरी पर 30 एकड़ में बसा है। यहाँ आपको 50 से ज़्यादा एडवेंचरस राइड मिलेंगे। ये पार्क इंडिया के सबसे अच्छे पार्क्स में से एक है और ये पार्क एशिया में 11वां स्थान रखता है। यहाँ वीकडेज और वीकेंड्स की अलग अलग एंट्री फीस लगती है, जहाँ वीकडेज में बच्चों के 645 रुपये और बड़ों के लिए 808 रुपये की एंट्री फीस लगती है। वहीं वीकेंड्स में बच्चों के 830 रुपये और बड़ों के लिए 1039 रुपये की एंट्री फीस लगती है। साथ ही अपनी जेब से आपको 18% GST भी भरनी पड़ती है। अगला नंबर आता है वंडरेला बेंगलुरु का। यहाँ आपको म्यूजिकल फाउंटेन्स, रेन शॉवर, लेज़र शोज, वर्चुअल रियलिटी शो और हर प्रकार के एडवेंचर करने को मिलेंगे। इसकी खूबियों के कारण इसे भारत में दूसरा और एशिया में 7वां स्थान मिलता है। यहाँ भी वीकडेज और वीकेंड्स की एंट्री फीस अलग अलग लगती है। यहाँ वीकडे में बच्चों के लिए 740 रुपये और बड़ों के लिए 945 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं वीकेंड्स में बच्चों के लिए 923 रुपये और बड़ों के लिए 1182 रुपये देने पड़ते हैं। इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज और सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी डिस्काउंट भी दिया जाता है। फिफ्थ नंबर पर है एडलब्स इमेजिका, जो कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पूरे 300 किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ आप रोलर कोस्टर, क्लेटर स्लाइड, स्नो पार्क, 4D एनिमेशन का मज़ा उठा सकते हैं। यहाँ की रोलर कोस्टर राइड भारत की सबसे बड़ी रोलर कोस्टर है। इसे 2013 में ही खोला गया था। यहाँ एक दिन का खर्चा 1000 रुपये तक का है। तीसरे नंबर पर बारी आती है मुंबई की एसएल वर्ल्ड वाटर किंगडम की, जो 1999 से ही सबके दिलों पर राज करती आ रही है। बचपन में आपको ऐड तो याद ही होगी, एसएल वर्ल्ड में ही रहूँगा मैं, घर नहीं जाऊँगा मैं, एसएल वर्ल्ड, एसएल वर्ल्ड। यहाँ आपको आइस स्केटिंग, वाटर पार्क, थीम पार्क और ढेर सारे एडवेंचर करने को मिलेंगे। यहाँ बच्चों के 900 रुपये और बड़ों के 1270 रुपये देने होंगे। तो ये इंडिया के अम्यूजमेंट पार्क्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं
तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।